सभी हमारे जो मित्रगण हैं, सनातन हिंदू भाई हैं और श्रेष्ठ जन हैं, सभी को बिमलेश तिवारी के तरफ से प्रणाम करता हूं और जय सियाराम बोलता हूं। और सबको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आज के दिनों में सोशल मीडिया में जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, वास्तव में सत्यता क्या है। ये लोग जब से जमीन लिया गया है, जमीन लेने के बाद से हमको हमारे नाम पे हमारे गले में पट्टा बांध के मुझे खुद कागजाती कार्रवाई में ये लोग ने एग्रीमेंट बनवाया। जब उस समय एग्रीमेंट के टाइम में पीसी मिश्रा जी विराजमान थे, पीएस मिश्रा विराजमान थे, पांडे जी विराजमान थे और मैं था और प्लस जमीन मालिक था। जब वहां पे एग्रीमेंट बनने लगा तो ब्राह्मण सेवा समिति के नाम बनने के टाइम में उन्होंने पूछा कि इसका प्रेसिडेंट कौन है, तब इन्होंने बताया कि बिमलेश तिवारी है। तो बिमलेश तिवारी के बताने के हिसाब से तो वहां पे कागज जो लगना चाहिए, आधार कार्ड वगैरह, तो उन्होंने बोला अध्यक्ष का कागज लगेगा। मैंने उस समय खंडन किया कि सब लोग अपना आधार कार्ड दो, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये लोग मुझे फंसा के और ऊपर चढ़ा के मेरे गले में पट्टा बांधेंगे और लास्ट में 20 लाख रुपए का पूरा देनदारी जो होगा वो अध्यक्ष के ऊपर आएगा। उस समय इन्होंने मुझे दबाव बनाया, पीसी मिश्रा ने, पीएस मिश्रा ने और सभी लोग जो वहां पे गए थे, सब लोग बना के मेरा वहां पे आधार कार्ड और मेरे नाम पे एग्रीमेंट और ब्राह्मण सेवा समिति अध्यक्ष बिमलेश तिवारी के नाम पे कागज बनाया गया। अब ये बताना चाहता हूं कि जब कागज शुरुआती दौर में एग्रीमेंट जब हमारे नाम पे ब्राह्मण सेवा समिति के नाम से और अध्यक्ष के रूप में मेरा आधार कार्ड वहां पे लगा, तो अगर मुझे अभी घरवारा लेना है तो हमें कोई इंडिविजुअल कागज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उस एग्रीमेंट को ही मुझे वहां पर लेकर जाना पड़ेगा घरवारा लेने के लिए। और वही कागज मैंने घरवारा में दिया। अब वो घरवारा माने के बाद में इंडिविजुअल तरीके से अध्यक्ष के नाते वह मेरे नाम में घरवारा का कागज बना। अब हमें आगे बिजली बिल लेना है। अगर हमें बिजली बिल लेना है तो क्या ये लोग बताएं, समाज के लोग, क्या वो किसी ब्राह्मण सेवा समिति के नाम से बिजली बिल आएगा जिस नाम से आपने एग्रीमेंट बनाया है, घरवारा आया है और उसी नाम पे बिजली बिल आएगा? तो लोगों को मिस गाइड पीसी मिश्रा जी और पीएस मिश्रा जी, जो दोनों जन विराजमान थे एडवोकेट के पास में, ये लोगों ने जबरदस्ती कागज लगवाया और मैं लगाया और मेरा ये दायित्व भी मैं समझा। अगर ये लोगों ने बोला कि आप प्रेसिडेंट हैं तो आपको लगना चाहिए, मैंने लगाया। तो ये जो तीनों प्रक्रिया हुआ शुरुआती दौर से लेकर आज बिजली बिल तक का, उसमें मेरा किसी भी प्रकार का पर्सनल कोई इंडिविजुअल मेरा रोल नहीं है, जो है वो एग्रीमेंट पेपर और कागज के ही अनुसार हुआ। दूसरा मैटर है, ये होने के बाद में जमीन मालिक को साल भर का उसमें टाइम दिया गया। साल भर के टाइम के अंतर्गत ब्राह्मण सेवा समिति के लोग, बड़े बड़े महान व्यक्ति लोग ने सब कुछ ने मुझे बोला और सब ने मुझे आश्वासन दिया, जयकारा भी लगा कि 20 लाख रुपए बहुत जल्द ही पूरा होगा। लेकिन हम एक साल निकल जाने के बाद तक 9.5-9.8-9 लाख रुपए नियर अबाउट पैसा पहुंच पाया और वो भी उसमें भी हमारे सभी सनातन भाई लगभग मिक्स थे। इसके बाद मुझे लगा कि यह कार्य न कभी कोई समाज के, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग जो बोलते हैं, हमसे पहले भी 2-4-6 लोग हुए हैं और आज मैं वर्तमान हूं, यह काम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ब्राह्मण के बल पर अकेला काम ना आज तक हमको लगता है 150 किलोमीटर में नहीं दिख रहा है और यह काम हो भी नहीं पाएगा। लास्ट में हमने एक ही डिसीजन लिया और हमारे साथ में कोई नहीं, सब अपने काम में, अपने ट्रांसपोर्ट में, अपने LIC में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, सब अपने व्यवसाय में लग गए मुझे छोड़ के। फिर लास्ट में मुझे ऐसा एक मार्ग निकालना पड़ा कि यह काम असंभव है, इसके लिए लोग नहीं कर पाते थे और मजबूरन अगर मुझे यह काम करना है तो हमें सभी सनातन भाइयों को, हिंदू भाइयों को इस कार्य के लिए जोड़ना पड़ेगा। और मैंने इस कार्य को किया और यह कार्य जोड़ने के बाद में यह जो आज आपको दिखाई दे रहा है, जो ऊंचाइयां और आज सबके निजाम आ रहा है, यह केवल किसी ब्राह्मण, एक अकेले ब्राह्मण भाई के हिसाब से नहीं हुआ है, बल्कि सनातन सभी हिंदू भाई के सहयोग से यह सब जो आपको दिख रहा है, सब उनके हिसाब से दिख रहा है। तीसरा पॉइंट यह है कि जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो बोले अपने इसी दरबार से, यही दरबार लाने के लिए हमने अपना सब कुछ परित्याग किया है, परिवार को परित्याग किया हो, भोजन को परित्याग किया हो, जो हमारा आय व्यय आने जाने का होता वो भी परित्याग किया हो, आरोप प्रत्यारोप भी लोगों को मैंने सहन किया हो, यहां तक कि लोगों ने हमें गाली भी देकर हटाया है, तो भी मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करते हुए, यह लक्ष्य को देखते हुए हमने सभी सनातन भाइयों को, सभी हिंदू भाइयों को मैंने जोड़ा, जोड़ के यह काम तक, यहां तक अंजाम जो आया है सबके निगाह में है, सामने है, दिख रहा है। लेकिन हमने उस समय जब हमारे भाई लोग जुड़े, हिंदू भाई, मैंने उस समय बोला यह सनातन मंदिर होगा और पीसी मिश्रा भी ने मुझे मार्गदर्शन दिया था कि यह सनातन ही मंदिर होगा, ब्राह्मण सेवा समिति का नहीं होगा। पीएस मिश्रा है,
पीएस मिश्रा भी ने मुझे यही गाइडेंस किया कि हाँ ये सनातन मंदिर होगा। अशोक दुबे जी ने भी बोला, जो आज हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, समय दिए नहीं दिए वो एक अलग चीज है, लेकिन उन्होंने ये बात बोला मुझे। जो विनय जी आज बोल रहे हैं, ये विनय जी ने 1.5 महीना तक हमें कर्जा देने के लिए, इसी मंदिर में 1.5 लाख मुझे जमीन को देना था, कर्जा देने के लिए 1.5 महीना तक मिसगाइड किए और आगे पीछे दौड़ाते रहे और 1.5 लाख रुपया इन्होंने नहीं दिया। लास्ट में मजबूरन में वही सनातन हिंदू भाइयों के पास में, सभी के पास मैं गया हूं, दिन भर मैं बिना खाए पिए टहला हूं और वही सनातन हिंदू भाई ने सहयोग दिया जिससे हमने पैसा को पूर्ण कर पाया। लेकिन आप जब पैसा भी नहीं देते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं, विश्वास भी रखते हैं और ऊपर से आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं, तो मैं बोलता हूं 100% गलत है। अगर यह सही है कि उन्होंने 1.5 लाख के लिए बोला था, अगर नहीं दिया तो वो पैसा अगर आया तो कहां से आया, कौन दिया, कैसे दिया, वह चीज को उठकर उनको पूर्ण रूप से ज्ञान है। अगर वो हमारे ऊपर किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, इसी दरबार से उन्होंने लगाया है, इसी दरबार में अपने बच्चों को कसम खा के बोल जाए कि जो मैं बोल रहा हूं, जो विनय दुबे जी बोल रहे हैं 100% वो सही है, वो जो बोलेंगे हम वो करने के लिए तैयार रहेंगे। इसी दरबार से विनय दुबे ने बोला है कि इन्होंने ये कर दिया और समाज को भ्रमित किया। जब भ्रमित तो तुम खुद कर रहे हो, आप लोग भ्रमित खुद कर रहे हैं। और हमारे श्री पीसी मिश्रा जी जो हैं, उन्होंने ही मुझे सनातन का सलाह दिया है, पीएस मिश्रा जी ने मुझे सनातन का सलाह दिया है। और आज अगर श्री सनातन शिवधाम ट्रस्ट में अगर वो जाता है, सभी ये जितने भाई यहां खड़े हैं ये सब हिंदू हैं, हम ब्राह्मणवाद में हैं, पहले हम सनातन हिंदू के हैं और हिंदू के बल पे काम हुआ है, अगर उस ट्रस्ट में उसमें अगर जाता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोगों ने बोला मैंने खाना नहीं खाया, 20-20 रुपए हमने मांगा, और विनय जी को भी ये बोलना चाहता हूं कि अगर सब हमने लूट लिया, आप हमारे एक तरफ बोलते हमने सब कुछ किया और एक तरफ बोलते हैं लूट लिए, जब आप मेरे साथ में ही हो, हमारे साथ में मिलकर काम कर रहे हो तो लूट कहां से लिया, इसका मतलब आप साथ में नहीं थे, आप इल्जाम लगा रहे हो, गलत तरीके का आप इल्जाम लगा रहे हो कि लूट लिए, मिसगाइड किए समाज को। अगर आप सब साथ में हो तो कहां से हुआ मिसगाइड, आपने किया लोगों को। तो मेरा इतना मानना है कि जो भी ये कार्य हुआ है आसान काम नहीं है। अगर उनको लगता है कि नहीं ब्राह्मण समाज के नाम पे ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो जो मैं भाइयों को, अदर सनातन भाइयों को जोड़ा हूं और मैंने बोल के भी जोड़ा हूं कि आने वाले टाइम में सनातन हिंदू मंदिर ही होगा, आप लोग मेरा पूर्ण रूप से सहयोग दीजिए, साथ दीजिए, इसकी दिव्यता और भव्यता लाने में पूर्ण रूप से हमारा सहयोग करिए। अगर वो भाइयों ने अगर दिया है और किया है तो क्या ये प्रॉपर्टी ब्राह्मण सेवा समिति का नाम होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये मेरा क्वेश्चन बिरादरी से हमारे हैं, कोई एक ब्राह्मण ने मेरा साथ नहीं दिया, आज तो कम लोग आ पाए हैं, समय आने के टाइम में हमारे जितने भी सनातन हिंदू भाई ने साथ सहयोग दिया है हम सबको खड़ा करेंगे, सबका डिसीजन लिया जाएगा। ब्राह्मण भाई ने जो विनय जी बोल रहे हैं, विनय जी मात्र 11,000 रुपए दिए हैं, जैसे लोग ने दिया है वैसे 11,000 उन्होंने दिया है, पत्रा कोई ब्राह्मण ने नहीं दिया है बल्कि हमारे सनातन भाई हिंदू भाई ने दिया है। उसी प्रकार से जितने गेट है, पत्रा है, ईंट है, बालू है, सीमेंट है, जितने भी यहां पे सामान लगे हैं ब्राह्मण कुछ परसेंट दिए हैं, जैसे हमारे ईंट में कुछ सहयोगी ब्राह्मण आए हैं, कुछ और एक आध दो बोरी सीमेंट में आए होंगे, लेकिन जितने भी ये ऊपर की दिखावटी दिख रही है ये सब सनातन हिंदू भाई के सहयोग से हुआ है। इसलिए मेरा मानना है किसी का पार्टिकुलर ये काम नहीं होना चाहिए या किसी जातिवाद, हम ब्राह्मण हैं लेकिन हम ब्राह्मणवादी काम नहीं करेंगे। हम ब्राह्मणवादी काम तब करते जब पूरा ब्राह्मण मिलकर शुरू से हमारा साथ देता, सहयोग देता, हम उसके साथ में हमारे रह के काम कराता, तब मैं करता। लेकिन जब हमने ये काम रुका हुआ, हमने सनातन भाइयों को जोड़ा हो, हमारा ये दायित्व अध्यक्ष होने के नाते यह मेरा दायित्व भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है। और यह कार्य जो मैं कर रहा हूं, हम अन्याय किसी के साथ नहीं होने देंगे। अगर सनातन भाई ने आया है सनातन मंदिर बनना चाहिए, किसी का पार्टिकुलर नहीं होना चाहिए और ब्राह्मणवादी यहां हम करने भी नहीं देंगे। लेकिन अगर सब ब्राह्मणवादी, सब वरिष्ठ लोग, श्रेष्ठ जन लोग अगर मैंने गलतियां किया हो तो चीज के बोले, अगर उनको ब्राह्मण का ही बनाना था तो ब्राह्मण भर से ही केवल चंदा लेना था, बाकी और हिंदू सनातन भाइयों से चंदा लेने की आवश्यकता नहीं थी। और जब लिया गया तो उस समय आपने क्यों नहीं मना किया कि ब्राह्मण का मंदिर है, केवल ब्राह्मण ही पैसा देगा, योगदान देगा, आप किसी को मत लीजिए, केवल ब्राह्मण देगा। तो अगर ब्राह्मण देगा तो ब्राह्मण को होता, लेकिन जब सबको मिलाए तो सबका होगा ना। हम कल किसको जवाब दें? कल वो बोलेगा पंडित जी तो आपने बोल के तो ले गया मुझसे कि ये सनातन मंदिर होगा, लेकिन आज ब्राह्मण का मंदिर हो रहा, तो इसका कौन जवाब देगा? हम ये पृथ्वी पे कोई यहां अजर अमर होके नहीं आया है, अन्याय नहीं होना चाहिए किसी भी भक्तगण के साथ में, किसी भी हिंदू भाई के साथ में। हम न्यायपूर्ण, हमने ये अपने हिसाब से, अपने सोच से, हमने ये श्री सत्य सनातन शिव धाम का हमने नींव डाला है, उसमें सभी हमारे
हिंदू भाई आएंगे और ब्राह्मण की जहां तक बात है, कोई और भी पहले अध्यक्ष बने हैं उनसे बोले ना, ब्राह्मण के बल पे अगर इतना ही कूदना है और ब्राह्मण के सहयोग से इतना कूदना है तो उनको बोलो, लोग बोले उनको कि आप एक ब्राह्मण समाज की दूसरा जमीन लीजिए, हम उसमें सहयोग देंगे, साथ देंगे। लेकिन ब्राह्मण के बल पे काम असंभव था, इसलिए मेरी ये मजबूरी थी सभी हिंदू भाई को जोड़ना, मैंने जोड़ा। अगर वो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष नया बनाते हैं या और कुछ भी करते हैं तो वो प्रॉपर्टी नया ले, उसमें हम लोग साथ सहयोग देंगे। लेकिन ये कि नहीं नहीं हम तो यही लेंगे, ये मेरा है, ये ब्राह्मण समाज का होगा, तो मेरे हिसाब से ये सभी सनातन हिंदू भाइयों के साथ में गलत होगा। जातिवाद करना भी गलत होगा और पैसे लेकर, सहयोग लेकर, मूर्ति लेकर, चंदा लेकर, सब कुछ लेकर इसके बाद में जबरदस्ती कब्जा करें, नहीं हम दे तो ब्राह्मण समाज के नाम पर ब्राह्मण समाज का, तो ये भी 100% मेरे हिसाब से वो गलत होगा। इसलिए हम सभी सनातन भाइयों का, सभी समाज का, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो राजा क्षत्रिय हो, चाहे वो हमारे जायसवाल समाज का हो, चाहे पाल समाज का हो, चाहे यादव समाज का हो, चाहे बिंद समाज का हो, सभी ने इसमें मदद दिया है। और हिसाब जिसको चाहिए, ग्रुप बना है, ये समय भी नहीं देंगे, साथ भी नहीं देंगे, सहयोग भी नहीं देंगे, बुक भी नहीं देंगे, पर्ची फाड़ के पैसे भी रख लेंगे, पैसे भी नहीं देंगे, ऊपर से आरोप प्रत्यारोप भी लगाएंगे। हम इसका खंडन करते हैं, जिसको जो हिसाब चाहिए ग्रुप बना है, ग्रुप में बैठ के जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद में जिसके पास बुक है, पीसी मिश्रा जी के पास में बुक आज के डेट में, पीसी मिश्रा जी के पास में बुक अभी आज भी के डेट में 3 नंबर बुक और 15 बुक नंबर पड़ा हुआ है, उसका हिसाब नहीं देंगे न पर्ची बुक रिटर्न करेंगे, लेकिन हिसाब उनको चाहिए। अशोक दुबे जी हैं, 17 नंबर बुक, 37 नंबर बुक, ये आज का नहीं पड़े हुए हैं इनके पास, 8-8 महीने से पड़े हैं, 10-10 महीने से पड़े हैं, पीसी मिश्रा का शुरुआती दौर से पड़ा हुआ है। और विनय दुबे जी के यहां भी 1-2 बुक अभी 2-4 महीने कार्यक्रम होने के पहले उनके पास पड़ा हुआ है। और एक बुक और है जो पीसी मिश्रा जी ने श्रीनिवास तिवारी जी को दिलाया है। ये भाई ये केवल अध्यक्ष मतलब पैसा भी लाए, अपना धंधा व्यवसाय भी छोड़े और इसके बाद लाकर यहां लगाए भी, और इसके बाद में आरोप प्रत्यारोप करोगे और हिसाब भी मांगोगे तो बुक भी नहीं दोगे, हिसाब भी मांगोगे। तो हम इस सभी प्रकार का इन्होंने जो किया है खंडन करता हूं। एक उसमें एक जन ने यह बोला है कि हमने 2018 से जुड़ा है, 2018 से आपने जुड़ा तो आपने समाज के काम के थोड़ी किया है, आपने 2018 से आप जुड़ के मान सम्मान शोहरत आपने पाया, पहचान आपने पाया, आपने कुछ किया नहीं है 2018 से। यह 2022 15 जनवरी के यहां शिलान्यास किया गया, शुभारंभ किया गया, उस 2022 15 जनवरी 2022 से वो बताएं जो बोल रहे हैं बहुत बड़ बड़ के, अपने बच्चे कसम खा के इसी दरबार से वो बताएं कि उन्होंने कितने लाख रुपए और कितना घंटा, कितना महीने में 30 दिन होते हैं, साल के 365 दिन होते हैं, 2 साल निकल गया, 730 दिन निकल गया, अपने बच्चे का औलाद का कसम खा के बोले कितना घंटा, कितना दिन, कितना महीना, कितना समय और किस कार्य को हमने अंजाम दिया है वो पहले बोले। केवल बोलने से नहीं होता है, यहाँ पे समर्पण होना पड़ेगा, पैसे से लेकर, समय से लेकर, काम धंधा इग्नोर करना पड़ेगा, नुकसान करना पड़ेगा, तब ये कार्य हुआ है। और आज तक उन्होंने 5100 रुपया उन्होंने चंदा फाड़ा होगा और 3 बार में दिया होगा। ये जो बोल रहे हैं कि हम 20 रुपए का खाना खाया और हमने मार्केट में गया, जब क्यों गए मार्केट में, जब ब्राह्मण समाज का आपका है, जब ब्राह्मण समाज का आप है तो मार्केट में सब्जी मार्केट में क्यों जा रहे हो भाई, हिंदू भाई का है ना, तो इसके हिसाब से तो गए ना आप, तो उसमें कौन सा एहसान किया। हम लोग ने भी आज भी मंदिर में 12 महीना मंदिर में देते हैं, कोई आता है, चावल है, दाल है, पैसा है, दक्षिणा जो हमसे हो सकता है, जो ईश्वर ने हमको बनाया होगा जिससे वो हम कार्य करते हैं। तो जो जिस प्रकार का ये है, जो ये लोग आम पब्लिक को बुला के हमारा जो क्षति सामाजिक स्तर से मेरे श्रम को इग्नोर करके ये लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, 100% मैं इसका खंडन करता हूं। और साथ में ये भी बोलता हूं कि यही श्री पीएस मिश्रा जी और अशोक दुबे जी ने, ये दोनों जन ने इस बेस पे मेरे साथ जुड़ा था कि ये सनातन मंदिर बनेगा, इसमें हम ट्रस्ट में आएंगे और एक विप्र समाज का यहाँ फाउंडेशन डाला जाएगा जिसका संस्थापक श्री पीएस मिश्रा जी होंगे और अध्यक्ष श्री अशोक दुबे जी होंगे, इसके बल पे मेरे साथ जुड़े थे। और लेकिन पैसे देने के टाइम में 30,000 रुपया मांगा गया 5 जन का, अशोक दुबे अभी देता हूं कल देता है, जमीन मालिक को देना था दिए ही नहीं, महीने निकल गए, समय निकल गए, आज तक निकल गए, 30,000 नहीं दिए। और लड़ाई इतनी तेज, 11,000 अशोक दुबे जी भी चंदा दिए हैं, बाकी हिंदू भाई के तरफ से सहयोग से आया है, वैसे विनय ने भी 11,000 दिया है, हिंदू भाई के तरफ से आया है। इस प्रकार का तमाम प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, स्वयं अपने आप को इस दरबार में आके अपने बच्चों को कसम खा के बोले, क्या वास्तव में बिमलेश तिवारी के ऊपर जो ये इल्जाम लगा रहे हैं क्या ये 100% सत्य है? अगर सत्य है तो आके यहां कसम खा लें। और मैं बोलता हूं
मैं भी कसम खाऊंगा इसी दरबार से, हमने कितना टाइम कितना समय कितना दिया है, और ये दिया नहीं तो होता ही नहीं। कोई 10 बजे से उठता है, कोई 11 बजे पूजा करके उठता है, कोई आता नहीं, और 7:30 बजे मुझे मजदूर ले आके आना पड़ता है पटेल पेट्रोल पंप से, जो लाकर हम खुद यहाँ खड़े होकर दिन भर मजदूर कराते हैं। और मैं सबको ये बोलता हूँ, जिस प्रकार का ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है गलत है। हम सनातन भाइयों को जोड़ूंगा, जो जो चंदा दिया सबको इकट्ठा करूंगा, उसका मीटिंग करूंगा, सब लोग जो बोलेंगे उस कार्य को हम करने के लिए तैयार रहेंगे।